जैसा कि दोस्तों अपन बात कर रहे थे राजस्थान इतिहास की, और इतिहास अपन पढ़ रहे थे चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश के बारे में अपन ने डिटेल से बात कर ली, इनकी उत्पत्ति के बारे में बात कर ली, और अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे जो कि सपाद लख सांबर और शाकंभरी से निकले थे। अजमेर के चौहान की अपन बात कर रहे थे, और अजमेर के चौहान में अपन ने अजय राज की बात कर ली थी, अर्णो राज के बारे में बात कर ली थी। अब इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप अभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ये पटवार का एग्जाम भी हो सकता है, रीट के सिलेबस में जो SST से हैं उनके भी ये सिलेबस में आते हैं, तो ध्यान से पढ़ना, आराम से पढ़ना दोस्तों। अपन आज बात करेंगे दोस्तों जो अर्णोराज के बाद जो शासक बनता है उसके बाद। देखो दोस्तों, अर्णोराज के बाद क्या होता है कि अर्णोराज की हत्या कर देता है कौन, उसी का पुत्र जगदेव चौहान। तो जगदेव चौहान भाई रहते हैं विग्रहराज चतुर्थ के भाई। देखो इधर अपन बात करते हैं जगदेव चौहान की। जगदेव चौहान इनके बारे में कुछ है नहीं, इन्होंने क्या करा था कि अपने पिता की हत्या कर दी, और एक ही काम किया कि ये क्या कह रहा है इतिहास में, ये कह रहा है कि चौहान के प्रथम पितृहंता शासक कौन कहलाया, जगदेव चौहान। 3 साल तक शासक रहते हैं, फिर इनके बाद इनका बड़ा भाई, जो बड़ा भाई है विग्रहराज चतुर्थ, वो शासक बनता है, और बहुत ही प्रतापी शासक, इतिहासकार साहित्यकार आप कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि स्वर्णिम काल कहलाता है। किसका, चौहान साम्राज्य का, चौहान साम्राज्य के इतिहास का स्वर्णिम काल कहलाता है विग्रहराज चतुर्थ। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने क्या किया था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, ये किया था इन्होंने, ये कुछ भी नहीं किया था इन्होंने, बस एक लाइन है कि ये प्रथम पितृहंता शासक कहलाते हैं चौहान वंश के। ठीक है दोस्तों, तो जगदेव चौहान की बात करते हैं यहाँ से। अगर इनके शासनकाल आप लिखना चाहते हो तो ये बनते हैं जब इनके पिता की हत्या कर देते हैं 1155 ईस्वी में, तो वहां से लेके ये 58 तक बनते हैं, और 58 के बाद ही कौन शासक बन जाता है, विग्रहराज चतुर्थ के बाद। ठीक है दोस्तों, अब इसको मिटा देते हैं अपन, ये हो गई दोस्तों जगदेव चौहान की बात। अब आगे बात करते हैं अपन मोस्ट इंपोर्टेंट शासक, सबसे प्रतापी शासक जो है, पृथ्वीराज के पहले एक ही नाम आता है विग्रहराज चतुर्थ का, या तो पृथ्वीराज तृतीय या विग्रहराज चतुर्थ, ये 3 और जो 4 है यही इंपोर्टेंट शासक आते हैं अपने चौहान वंश में। किसकी बात करेंगे दोस्तों, विग्रहराज, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चौहान वंश है, चौहान के राजा है, उनके पीछे सबके पीछे क्या लगेगा, विग्रहराज। कौन सा विग्रहराज, पहले भी आ चुके हैं 3, तो ये है चतुर्थ, इसी को क्या बोला जाता है, बीसल देव चौहान। बीसल देव चौहान, ठीक है दोस्तों, आज बात करेंगे अपन विग्रहराज चतुर्थ की। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आराम से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन की लेके बात चलेंगे, और आराम से पढ़ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इनमें से। विग्रहराज चतुर्थ, बीसल देव चौहान, इनके शासक काल की बात करें दोस्तों, तो इनका शासक काल है 1158 से, और ये है 63 पर। ठीक है दोस्तों, कहीं जगह आपको 53 लिखा नजर आएगा लेकिन वो गलत है, बहुत सी बुक में आपको 53 लिखा नजर आएगा लेकिन वो गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, 58 और 63। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ की। सबसे पहली बात तो विग्रहराज चतुर्थ की अपन बात करेंगे ना, तो मैंने सबसे पहले आपको ही बात बोली कि विग्रहराज चतुर्थ जो है उनका योगदान सबसे ज्यादा चौहानों में ये रहता है कि ये खुद भी एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। क्या थे दोस्तों, विद्वान थे संस्कृत के, और साहित्य में इनकी बहुत ज्यादा रुचि थी, और स्थापत्य कला में भी इन्होंने काफी ज्यादा निर्माण करवाए थे, इसीलिए इतिहासकारों ने इनको क्या बोला गया है, चौहान साम्राज्य का स्वर्ण स्वर्ण काल बोला है इनके काल को। ठीक है, तो ये लाइन अपन लिख सकते हैं, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहान साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा, क्या लिखा दोस्तों, मैंने लिखा है यहां पर कि इसके काल को, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहान साम्राज्य का क्या कहा दोस्तों, स्वर्ण काल बोल सकते हैं या फिर स्वर्णिम काल बोल सकते हैं आप, क्या कहा, स्वर्ण काल या स्वर्णिम काल। अब ये किसके अनुसार कहा, अनुसार यहां लिख देता हूं मैं, किनके अनुसार कहा ये,
अनुसार, यानी कि इतिहासकारों ने बोला था इनका कि विग्रहराज जो चतुर्थ है उनका काल जो है वो स्वर्ण काल कहलाता है चौहान वंश का। किनके अनुसार कहलाता है दोस्तों, याद रखना, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। किनके अनुसार दोस्तों? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। अब कारण भी लिख देते हैं अपन, कारण भी लिख देते हैं यहीं पर कि क्या कारण रहा कि इनको, क्या कारण रहा कि इनको क्या कहा, स्वर्ण काल माना जाता है इनके साम्राज्य काल को, यानी कि 58 से 63 का जो काल है वो स्वर्ण काल कहलाता है चौहान वंश का। अब कारण क्या था कि इन्होंने सपाद लक्ष्य में, सपाद लक्ष्य को 5 से तथा साहित्य तथा स्थापत्य स्थापत्य का योगदान दिया। यानी कि दोस्तों इस लाइन का मतलब यह है कि सपाद लक्ष्य के जो क्षेत्र है, सपाद लक्ष्य जो इनकी राजधानी रही थी जहां से इनका निर्माण हुआ था, यहाँ पर साहित्य और स्थापत्य करने का सबसे ज्यादा योगदान हुआ था। किनके शासनकाल में दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में। ये बात हुई दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अनुसार किसके था, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। याद रखना आप दोस्तों इसको भी, डॉक्टर दशरथ शर्मा को भी याद रखना किनके अनुसार था और कौन से क्षेत्र में योगदान दिया, सपाद लक्ष्य में, स्थापत्य कला और साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई विग्रहराज चतुर्थ की। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ के और बारे में। विग्रहराज चतुर्थ, ये मैं दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ को क्या लिखूंगा, VR4। या तो बीसलदेव चौहान बोलूंगा मैं या फिर विग्रहराज चतुर्थ, तो मैं यहाँ शॉर्ट में क्या लिखा, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, आप समझ जाएंगे विग्रहराज चतुर्थ को। ऐसे इनको एक उपाधि दी थी दोस्तों, उपाधि, कौन सी उपाधि थी मिली दोस्तों इनको, तो वो उपाधि मिली थी कवि बांधव की, कवि बांधव की, या बहुत सी जगह आपको कवि बंधु, कवि बंध भी मिला आएगा, कवि बांधु भी मिला आएगा, ये सब तो एक ही बात है। इसका अर्थ बात करेंगे अपन, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों, कवि बांधव का अर्थ होता है कि ये जो है विग्रहराज चतुर्थ, यानी कि बीसलदेव चौहान जो है वो कवियों को आश्रय देते थे, यानी कि इतिहासकारों को, कवियों को या फिर साहित्यकारों को आश्रय प्रदान करते थे, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा रुचि थी संस्कृत की, खुद भी बड़े विद्वान थे, साहित्य के खुद भी बड़े विद्वान थे, तो उनके प्रति ज्यादा रुचि थी, जागरूक रहते थे ये, तो उनको आश्रय प्रदान करते थे। इसीलिए ये आश्रय प्रदान करने के कारण लोगों ने या फिर इनको उपाधि प्रदान करी कवि बांधव की। ठीक है, इनका अर्थ लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इस उपाधि का अर्थ क्या होता है, कवि या साहित्यकारों को, आश्रय आश्रयदाता थे। अर्थ क्या होता है, कवि साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण। ठीक है दोस्तों, समझ जाएंगे आप, एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर लेंगे बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई उपाधि की, बात कवि बांधव की। अब इस उपाधि का वर्णन, कवि बांधव की उपाधि जो दी गई है, इस उपाधि का वर्णन कहाँ मिलता है दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस उपाधि का वर्णन मिलता है दोस्तों पृथ्वीराज विजय में। मैंने आपको पहले ही बताया पृथ्वीराज विजय जो है एक ग्रंथ का नाम है, किसके द्वारा लिखा गया है, जयानक भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अब जयानक भट्ट की बात करते हैं कि किसके समकालीन थे, तो ये थे पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, लिख देते हैं इस बात को यहाँ पर, नोट लगा के लिख देता हूं, उपाधि का वर्णन, उपाधि का वर्णन मिलता है कहां पर, पृथ्वीराज विजय। ये ग्रंथ लिखा किसने दोस्तों, ग्रंथ था ये, किसके द्वारा लिखा गया है, मैंने नाम बताया था, नाम बताओ, ट्रिक भी थी इसकी कि पीछे का जय याद रखना है और जय से क्या हो जाएगा, जयानक भट्ट। ठीक है दोस्तों, ये हुई बात कहां कर, इसकी उपाधि तक। अब दोस्तों क्या होता है कि इनको उपाधि दी थी कवि बांधव की उपाधि, तो लोग कवि बांधव की उपाधि देने के बाद इनको क्या बुलाने लगे थे, कटिबंध भी बुलाने लग गए थे। क्या बुलाने लगे थे दोस्तों, ऐसे याद रख लेना, जनरल लिखने की बात नहीं है, कुछ बातें ऐसी नहीं होती,
ऐसी होती है जो मैं बोलूंगा और आप लिख लिया करो। कवि बांधव की उपाधि देने के बाद लोग इनको साहित्य में रुचि थी, साहित्य में रुचि होने के कारण लोग इनको क्या बुलाने लग गए थे, कटिबंध भी बुलाने लग गए थे। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, मिटा दो अब इसको मैं। अब देखो दोस्तों, इनके बात करते हैं विग्रहराज की और आगे, तो इनके दरबारी कवि की बात करते हैं। इनके दरबारी कौन दोस्तों, अब बात करते हैं अपन दरबारी की। देखो दोस्तों, इन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया है अपने चौहान वंश में, लेकिन अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे मेरा तरीका रहता है, मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ आपको। पहले मैंने जैसे समकालीन की बात करी तो मैं समकालीन भी पढ़ाता हूँ, तो इससे उसका उपाधि की बात करते हैं तो अपन उपाधि की बात कर ली। अब बातें दरबारी में, जो जो याद करने की मोस्ट इंपोर्टेंट बात होती है वो पहले अपन लिखाएंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे अपन, ताकि आपको याद करने में कोई असुविधा ना हो। ठीक है दोस्तों, अपन बात करते हैं दरबारी की। अब दरबारी की बात करें तो दोस्तों दो दरबारी इनके, जिनका नाम आता है। पहला आता है, ए पे नाम लिखेंगे, सोमदेव। सोमदेव पहले बात करते हैं दोस्तों सोमदेव की। अब इन्होंने रचना की, किनकी रचना की, जो रचना की वो एक ग्रंथ नहीं था, जबकि क्या था, नाटक, यानी कि नाटक की रचना की। किसकी रचना की दोस्तों, सोमदेव ने, जो कि दरबारी कविता किसका, विग्रहराज चतुर्थ का। और सोमदेव ने रचना की नाटक की, उसका नाम था दोस्तों, उस नाटक का नाम था ललित विग्रहराज। क्या नाम था दोस्तों, ललित विग्रहराज था। ये एक नाटक था बल्कि ग्रंथ नहीं था। ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, कि सोमदेव की जो नाटक है उसका नाम क्या था, ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी, उल्टा सुलटा कैसे भी पूछा जा सकता है। सोमदेव किसका दरबारी कविता, विग्रहराज चतुर्थ का, ये तीन क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। ये भी पूछ सकता है कि ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी, सोमदेव ने। सोमदेव किसका दरबारी कविता, विग्रहराज चतुर्थ का। सोमदेव ने इन निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की थी, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्टार। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई अपनी सोमदेव की। अब बात आती है कि ललित विग्रहराज नाटक में जो है वो क्या लिखा गया है क्या इसमें, तो इसमें एक प्रेम प्रसंग बताया गया है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वैसे कोई जानने वाली बात है नहीं इसमें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके अंदर क्या था, बस आपको याद क्या रखना है, एक नाटक है उसका नाम क्या है, ललित विग्रहराज। फिर भी बता देते, इसमें एक रचना है प्रेम प्रसंग। प्रेम प्रसंग बताया गया है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं किसकी, बी की, यानी कि कौन। अब बी में दरबारी, पहली बात हुई अपनी ए की, अब दरबारी कवि बी। दूसरे दरबारी का नाम था नरपति नाल। क्या नाम था दोस्तों, नरपति नाल। इन्होंने भी रचना की थी एक नाटक की। किसकी रचना की थी दोस्तों, एक नाटक की रचना की थी, ये रचना कर दी एक नाटक की, रचना की। नाटक का नाम क्या था दोस्तों, विशल देव। विजय बीसल देव विजय की इस नाटक की, क्या नाम है दोस्तों, बीसल देव विजय। रचना की थी किसने, नरपति नाल ने। सोमदेव और नरपति नाल
ये दोनों दरबारी थे किसके, विग्रहराज चतुर्थ के। मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्टोरी है ना यहाँ पर ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको याद क्या रखना है, सोमदेव को याद रखना है किसकी रचना की थी, ललित विग्रहराज की। नरपति नाल इसने रचना की थी बीसल देव विजय की। ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछे जा सकते हैं, साहित्य का क्वेश्चन है तो कल्चर में भी पूछा सकता है जो कि अपने हिस्ट्री में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं विग्रहराज, इसमें बिशन देव चौहान, बिशन देव विजय में ये भी एक क्या है, प्रेम प्रसंग है। बताया गया इन ग्रंथों में, ललित विग्रहराज और बिशन देव विजय में, इन दोनों ग्रंथों में जो विग्रहराज चतुर्थ है यानी कि बिशन देव चौहान है और उनकी पत्नियों के बारे में बताया गया है कि इनकी प्रेम कहानी किस तरह से, इनके प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया है। जैसे देवल देव इसकी इनके बारे में बताया गया है और एक रानी थी इधर थी बीतल देव विजय में जो इनके बारे में बताया, लेकिन वो कोई इंपोर्टेंट लाइन नहीं है। मैं बता दूंगा कहानी, पूछोगे आपकी कहानी क्या थी ये कहते, लेकिन वेद की बात करने से अच्छा है कि अपन यहाँ पर फैक्ट और रीजन की ही बात करें। ठीक है दोस्तों, ललित विग्रहराज और बीतल देव विजय की बात, ये बात है नरपति नाल और सोमदेव, ये याद इतना सा रखना है आपको। ठीक है दोस्त, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। मिटा दो दोस्तों, बात हो गई दरबारी की, अब ठीक है दोस्तों ये बात हुई साहित्य की। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई अपने दरबारी कवि जो कि सोमदेव और नरपति नाल था। अगर आपको लगता है कि इस नाटक में जो प्रेम प्रसंग बताया गया है वो कौन सी रानी और विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बताया गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए कि कौन सी रानी थी वो। सोमदेव में जो है वो प्रेम प्रसंग बताया गया है, ललित विग्रह में विग्रहराज चतुर्थ और उनकी रानी का नाम था, रानी का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सी रानी थी। अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए एक क्वेश्चन होता है, होमवर्क मान लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर साहित्य की बात चल रही तो अब बात करते हैं अपन खुद विग्रहराज चतुर्थ की, जो भी एक साहित्यकार थे, खुद बड़े संस्कृत के बड़े विद्वान थे, तो बात करते हैं विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ, वी आर फोर, समझ में आ जाएगा विग्रहराज चतुर्थ की बात कर रहे हैं, मैं इस तरह से लिख रहा हूं वी आर फोर। इन्होंने रचना की दोस्तों, रचना की एक ग्रंथ की रचना की दोस्तों इन्होंने, उस ग्रंथ का नाम था हेरी केली या हरी केली या हेरी केली। किसने रचना की दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ ने रचना की, ग्रंथ था ये एक। आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, हेरी केली मिल सकता है, हरी केली मिल सकता है या हेरी केली मिल सकता है, लेकिन ये एक ही मैटर है। किस हरी केली की रचना किसने की थी दोस्तों, तो याद क्या रखना है विग्रहराज चतुर्थ ने। यहाँ पर कंफ्यूज क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि आप तीन ग्रंथ हो गए तो इन तीनों के नाम इस तरह से लिख देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि विग्रहराज चतुर्थ ने किसकी रचना की थी, क्योंकि ऑप्शन में ललित विग्रहराज भी रहेगा और बिशन देव विजय भी रहेगा, तो ये सब चीजें आप जब एक साथ पढ़ोगे ना तो सब कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतने साहित्य के नाम पहले बताए, जैसे पृथ्वीराज विजय के बारे में बताया, पृथ्वीराज राठौर के बारे में बताया, नयनचंद्र सूरी का जो लिखा है, जयानक भट्ट, ये सब चीजें मैंने आपको पहले बता चुके हूँ। अब इतने सारे हो जाएंगे, अभी आगे फिर आएंगे, कल्चर में भी फिर आएंगे, तो ये सब एक साथ हो जाएंगे। तो आपको क्या रखना है, विग्रहराज चतुर्थ ने रचना की थी किसकी, हरी केली की रचना की थी। अब इस हरी केली रचना में एक उल्लेख मिलता है, किसका उल्लेख मिलता है, इसमें उल्लेख मिलता है दोस्तों, उल्लेख है किसका, उल्लेख है अर्जुन तथा शिव के मध्य युद्ध का। आप सभी को पता होगा जब ये वनवास जाते हैं, जो अर्जुन है तपस्या करता है और तपस्या करने के बाद उसकी परीक्षा लेने जो है महाभारत में किस कौन आते हैं, भगवान शिव आते हैं, क्योंकि भगवान शिव का ही तप करता रहता है, तपस्या करते रहते हैं ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो जाए, वो आ जाते हैं लेकिन वेश बदल के आते हैं,
और अर्जुन की परीक्षा लेते हैं, तो धनुर्धारी वो सर्वश्रेष्ठ बताते हैं कि मेरे से धनुर्धारी सर्वश्रेष्ठ कौन नहीं है, ये सब चीजें स्टोरी बताते हैं महाभारत की। और अर्जुन और शिव के मध्य युद्ध होता है और अर्जुन का उसका दिमाग जो है अर्जुन का ठिकाने पे आ जाता है और उनको पता चल जाता है ये सामने वाले कौन है, शिव है। ठीक है दोस्तों, ये आपको कहानी इंटरेस्टिंग कहानी आपको याद होगी, उस कहानी का वर्णन बताया गया है हरि के लिए में, जिसकी रचना किसने करी थी दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ की और यहीं पर बात कर लेते हैं, इन्होंने निर्माण करवाया दोस्तों, निर्माण करवाया, मोस्ट इंपोर्टेंट निर्माण करवाया दोस्तों इन्होंने, इन्होंने निर्माण करवाया था संस्कृत पाठशाला का। किसका निर्माण कराया दोस्तों, संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था इन्होंने, क्योंकि ये खुद भी संस्कृत के बड़े विद्वान थे, तो निर्माण करके करवाएंगे संस्कृत पाठशाला। ये एक स्कूल था जिसमें संस्कृत के साहित्य के बारे में पढ़ाई होती होगी या फिर पढ़ाया जाता होगा संस्कृत के बारे में। निर्माण किसने करवाया था संस्कृत पाठशाला का, विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है दोस्तों, अब इस संस्कृत पाठशाला को इनके बारे में बात करते हैं, कहां पर निर्माण करवाया था दोस्तों, अजमेर में। अब यहाँ पर देखना, संस्कृत पाठशाला का जो निर्माण हुआ था, यानी कि जिन पत्थरों से ये निर्माण किया गया था, जिन पत्थरों से बनाया गया था, उन पत्थरों में हरि केली की कुछ पंक्तियों का वर्णन भी मिला था, यानी कि हरि केली की उत्तीर्ण मिला है, यानी कि जिस पत्थर में आपको स्कूल जब वो स्कूल बनाया गया था तो उसमें पत्थर लगाए गए थे, तो वो पत्थर से बाहर उसमें लिखा गया था हरि केली नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी गई थी उसमें, तो किसमें लिखी गई थी दोस्तों, संस्कृत पाठशाला में। और यही पंक्तियां आपको और जगह मिलेगी जो कहाँ है, इंग्लैंड यानी कि लंदन में राजा राम मोहन राय की समाधि है, उस समाधि में भी हरि केली की कुछ पंक्तियों का उल्लेख मिलता है, यानी कि लिखी हुई मिलती है। ठीक है दोस्तों, दो जगह हरि केली की पंक्तियों का उल्लेख है, एक तो कहां पर है, संस्कृत पाठशाला में था, और एक कहां पर है, राजा राम मोहन राय की समाधि है जो कहां पर है, लंदन में स्थित है, उस समाधि में भी कुछ पंक्तियां स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये चीज हुई। अब इस संस्कृत पाठशाला की बात करें तो इसको तुड़वाया, किसने तुड़वाया दोस्तों, यहां पर लिखता हूं मैं तुड़वाया, किसने तुड़वाया, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किसने तुड़वा दिया था दोस्तों, संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब तुड़वाया था, 1192 में। ये कौन था दोस्तों, सेनापति था ये मोहम्मद गोरी का। किसका सेनापति था दोस्तों, मोहम्मद गोरी का, जो तराइन के युद्ध होते हैं पृथ्वीराज तृतीय से मोहम्मद गोरी के साथ, उस टाइम के समकालीन था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, सेनापति हुआ करता था किसका, मोहम्मद गोरी का। लिख देता हूं यहां पर मैं, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी का सेनापति। अब तुड़वाया, इसको क्यों तुड़वाया, क्योंकि यहां पर किसी चीज का निर्माण करवाना था, तो तुड़वाने के बाद यहां पर निर्माण करवाया दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने, निर्माण यहीं पर लिख देता हूं, निर्माण करवाया, निर्माण करवाया, किसका निर्माण करवाया दोस्तों, तो निर्माण करवाया 16 खंभों की मस्जिद बनवाई, मस्जिद बनवाई, क्या बनवाई दोस्तों, 16 खंभों की मस्जिद बनवाई, किसने बनाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हुआ यह कि इन्होंने संस्कृत पाठशालाओं को वहां से तुड़वा दिया, और तुड़वाने के बाद उन्हीं पत्थरों से जो पत्थर संस्कृत पाठशाला में लगे हुए थे, तो उसी पत्थर से इन्होंने क्या करा, 16 खंभों की यानी कि 16 खंभे पिलर खड़े हुए हैं और वो एक मस्जिद दिखाई देती है, उस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अभी भी ऐसा बोला जाता है कि अभी भी इस मस्जिद में, अभी इस मस्जिद में, ये राजस्थान की पहली मस्जिद है, कौन है मस्जिद, 16 खंभों की जो मस्जिद बनाई गई थी, ये राजस्थान की पहली मस्जिद थी जो किसका निर्माण करवाया था, इसका निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और अभी भी इसमें हरि केली नामक ग्रंथ की पंक्तियां मिलती है इन पत्थर, क्योंकि पत्थर तो वही लगे हैं जो संस्कृत पाठशाला में लगे हुए थे, तो आप देखोगे अभी भी तो हरि केली नाटक की कुछ पंक्तियां अभी भी उत्तीर्ण उसमें हैं। ठीक है दोस्तों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब मिटा देते हैं दोस्तों, अब आगे बात करते हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे अपन।
देखो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे कुतुबद्दीन ऐबक की, मैं लिख देता हूं यहां पर, देखो कुतुबद्दीन कुतुबद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया, क्या तुड़वाया दोस्तों, संस्कृत पाठशालाओं को, और निर्माण करवाया 16 खंभों की मस्जिद का। किसका निर्माण करवाया दोस्तों, 16 खंभों की मस्जिद का, और ये कौन राजस्थान की पहली मस्जिद है, राजस्थान की पहली मस्जिद। इसको वर्तमान में क्या बोला जाता है दोस्तों, वर्तमान में ढाई दिन का झोपड़ा क्या बोला जाता है दोस्तों, यानी कि ढाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, जिसको बाद में बोला गया, पहले क्या बोला गया, 16 खंभों की मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो राजस्थान की पहली मस्जिद है, उसको बाद में क्या बोला गया, ढाई दिन का झोपड़ा बोला गया। अब इस ढाई दिन का झोपड़ा जो बोला गया है, इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है ये, अलग अलग इतिहासकार साहित्यकार अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन सबसे फैक्ट जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पर पंजाब के पीर शाह का यहाँ पे उर्स लगता था, तो उसी कारण इसको ढाई दिन का झोपड़ा, ढाई दिन का उर्स बढ़ता था यहाँ पर, तो एक ये कारण रीजन रहा है यहाँ पर कि ढाई दिन का झोपड़ा इसको बोला गया, क्योंकि इस जगह पर पंजाब पीर शाह का इसका यहाँ पर उर्स लगता था, तो इस जगह पर ढाई दिन का उर्स लगने के कारण इसको क्या बोला गया, ढाई दिन का झोपड़ा बोला गया। ठीक है दोस्तों, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कारण याद रह जाएगा आपको। ठीक है, अब बात आते हैं यहाँ पर क्या बोला गया, 16 खंभों की मस्जिद जो वर्तमान में क्या बोला जाता है, ढाई दिन का झोपड़ा बोला जाता है। तो कर्नल जेम्स टोड़, आधुनिक इतिहासकार रहे हैं कर्नल जेम्स टोड़, इन्होंने मस्जिद देखी, कौन सी, ढाई दिन के झोपड़े, और देखने के बाद एक वर्ड बोल देते हैं, हर जगह बोलेंगे, हर इतिहासकार में बोलेंगे, आपको पता होगा कर्नल जेम्स टोड़ ये ऐसे इतिहासकार रहे हैं जो देखने के बाद कुछ ना कुछ बोल के चले जाते हैं, तो ये टेंशन अपने हो जाती है कि अपन को याद करना पड़ता है। तो कर्णम जय टोड़ ने ढाई दिन का झोपड़ा देखा और बोला कि ये हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम उदाहरण है, क्या बोला, हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम उदाहरण है, कौन सा, ढाई दिन का झोपड़ा। ठीक है दोस्तों, क्या बोला इन्होंने, कहा हिंदू ढाई दिन का झोपड़ा का झोपड़ा हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम उदाहरण है। ये बोल के कौन भाई साहब, कर्नल जेम्स टोड। ये बात हुई दोस्तों किनकी, विग्रहराज चतुर्थ ने निर्माण करवाया था किसका, संस्कृत पाठशाला का। उस निर्माण से अभी मैंने इतना मैटर पढ़ा दिया कि उसको तुड़वा दिया कुतुबद्दीन ऐबक ने, और निर्माण करवाया 16 खंभों की मस्जिद का, जिसको बाद में क्या बोला गया, ढाई दिन का झोपड़ा बोला गया, उसके कारण इसको ढाई दिन का झोपड़ा बोला जाता है। कर्नल जेम्स टोड़ की बात करें तो इन्होंने इसको देखा और बोला कि ढाई दिन का झोपड़ा हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम उदाहरण है। अब बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ की, फिर से यहाँ पर निर्माण एक और चीज बनवाई थी इन्होंने, निर्माण करवाया, आपको सभी को पता होगा टोंक में, कहां पर, टोंक में बिसलपुर बांध, बिसलपुर नगर, नगर बसाया, कौन सा नगर बसाया दोस्तों, बिसलपुर नगर बसाया तथा बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया, बांध का निर्माण करवाया, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि बिसलपुर झील का निर्माण करवाया दोस्तों। ये हुई बात विग्रहराज चतुर्थ के निर्माण तक की बात, अभी आगे भी बहुत सारी डिटेल रहेगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही क्लास रखेंगे, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाती है तो इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो आप 30 मिनट की क्लास या अपन या 35 मिनट की क्लास, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। अब आगे बात करेंगे विग्रहराज चतुर्थ की, तब तक के लिए धन्यवाद।